मैं और हर्षित जब कार्यक्रम समाप्त हुआ स्वामी गणेशानंद जी का, तो कुछ नौजवान, दो थे पता नहीं तीन नौजवान आपस में चर्चा कर रहे थे, और चलते चलते मेरी कान में वो चर्चा पड़ गई। क्या चर्चा कर रहे थे? उनकी शैली में बोलूं, बोले यार ये सीता को तो मानते नहीं दिखा, ये राम को तो मानते नहीं दिखा। मैंने चलते चलते सुन ली। मैंने कहा रे भले आदमी, आज स्वामी गणेशानंद जी को सुनते, उन्होंने आज राम और भरत की तो चर्चा की थी। बोले जी ना 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 जी जी जी, उन्होंने फिर वो बात काट दी, वो हम भी चले गए आगे। ध्यान देना, राम और कृष्ण का जो वैदिक स्वरूप है ना, वो महर्षि देव दयानंद जी ने हमारे सम्मुख दुनिया के लोगों के आगे प्रस्तुत किया। अन्यथा राम और कृष्ण को केवल और केवल लोगों ने मिट्टी के ढेरों में पटका करके रखा हुआ था। मिट्टी के ढेरों में राम और कृष्ण दबे हुए थे। लोगों ने राम और कृष्ण को समझा ही नहीं। राम और कृष्ण को राष्ट्र का नायक अगर किसी ने घोषित किया, अगर राम और कृष्ण को एक नेता के रूप में, एक रक्षक के रूप में अगर किसी ने प्रस्तुत किया, तो वो श्रेय महर्षि देव दयानंद जी को जाता है। महर्षि देव दयानंद जी ने चर्चा की थी, आज वो चर्चा करने का मौका नहीं है। चर्चा की रिसीवर देव दयानंद जी ने चर्चा कर रहे थे आदरणीय हमारे धनी राम जी कि सत्यार्थ प्रकाश के 14 समुल्लास में उस ऋषिवर देव दयानंद जी की देन हमको दिखाई देती है कि किस तरह से ऋषिवर देव दयानंद जी ने एक एक बिंदु को छू करके उसको विस्तार से हमारे बीच में प्रस्तुत किया। चाहे वो गृहस्थ आश्रम प्रकरण क्यों ना हो, महर्षि देव दयानंद जी ने गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा की कि जो गृहस्थ की प्रशंसा करता है वो प्रशंसनीय है, और जो गृहस्थ की निंदा करता है वो निंदनीय है, और सब सुधारों का सुधार गृहस्थ सुधार है। ऋषि ने चर्चा की। आज स्थिति क्या हो गई है? आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है। हमारा गृहस्थ बिगड़ गया। बिगड़ने का कारण ये था कि हम लोगों ने गृहस्थ को नहीं समझा, हम लोगों ने गृहस्थ को जानने का प्रयास नहीं किया। बड़ा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम ये गृहस्थ आश्रम है, और इसको लोगों ने दुखों का जाल कह करके इसको जो है संबोधित किया। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसी गृहस्थ आश्रम के अंदर व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गृहस्थ आश्रम में रहने का तरीका महर्षि देव दयानंद जी ने दिया, और क्या तरीका दिया? कि भाई भाई से कभी द्वेष ना करे, मां भ्राता भ्रातरम दीक्षण मां सुसारम उतस्वसा। कभी भाई एक दूसरे से कभी द्वेष ना करे, एक दूसरे से झगड़े नहीं, मिलकर के रहे। आज स्थिति क्या हो गई? आज भाई भाई में मुकदमा चल रहा है, आज भाई भाई में बनती नहीं है। किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी थी, खुदाया खुदाई में क्या हो रहा है कि भाई से भाई जुदा हो रहा है, भाई से भाई जुदा हो रहा है। दो भाई थे और उनके बीच में बंटवारा होने लगा, एक भैंस का और एक कंबल का। छोटे भाई ने कहा आप बड़े भाई हैं, आप ही बंटवारा कर दो, तीसरे को बुला करके क्या करना है। बोले अगर तू नहीं मानता है तो ठीक है, मैं बंटवारा किए देता हूं। उसने कहा ये जो भैंस है ना, इसका अगला जो हिस्सा है वो तेरा, और इसका जो पिछला हिस्सा है वो मेरा। भैंस का बंटवारा हो गया। दूसरा नंबर आया कंबल का। बोले ये जो कंबल है ये दिन में तो रहेगा तेरे पास, और रात में रहेगा यो मेरे पास। अब जैसे ही सुबह होती ये तो दूध निकालने के लिए चला जाता, ये तो दूध पीता आराम से, ये खिलाता भैंस को बढ़िया चारा पानी, ये दूध पी जाता। दिन में कंबल की जरूरत नहीं पड़ती थी, रात में कंबल की जरूरत पड़ती थी तो रात में कंबल भाई के पास चला जाता था। कोई संत आ गया उस गांव के अंदर, उसको उदास देखा, पूछ लिया क्या बात है भाई, क्यों उदास हो, क्यों निराश हो? बोले जी भाई ने ऐसा बंटवारा किया, मैं बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी हूं।
कोई समाधान आपके पास में हो तो बता दो। उसने कहा हाँ मेरे पास में समाधान है। वो घटना सुनाई उसने कंबल की और बहस की, तो उसने कहा स्वामी जी ने कि इसका समाधान मेरे पास में है। बोले क्या समाधान है? बोले जैसे ही दूध निकालने के लिए बैठेगा वैसे ही भैंस के आगे चार पांच लठपाट दिए दूध नहीं निकाल पाएगा वो। बोले जी यो तो बात पता ही नहीं थी मुझे, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, ऐसे ही करूंगा। और बोले इस कंबल का? बोले जैसे ही सांझ होगी वैसे ही इसको पानी में भिगो करके रख देना। पूछेगा कंबल कहाँ है? बोले पानी में भिगा हुआ है, उठा करके ले जा। उसने ऐसे ही किया तो हार करके ये बोला कि भाई ऐसा है, तू जीता मैं हारा, अब मिल करके रहेंगे, तू भी दूध पिए मैं भी दूध पीऊंगा, तू भी कंबल में सोइए मैं भी सोऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर राम और भरत जैसे भाई पैदा हुए हो, जिस देश के अंदर ऐसा उदाहरण मिलता है, उस देश के अंदर भाई भाई की जड़ काटता है, भाई भाई के ऊपर गोली चला देता है, भाई भाई को ठुकरा देता है और गैरों को अपना भाई बना लेता है, गैरों को अपना मित्र बना लेता है। ऐसे परिवार नहीं चला करते हैं। कौन से परिवार नहीं चला करते? मुझे बहुत सुंदर एक हरियाणवी तर्ज में रागनी याद आती है, उसको सुनाने का प्रयास करता हूं। के आज जमाना बदल रहा, जड़ काटे भाई भाई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की। आज जमाना बदल रहा, जड़ काटे वाई वाई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की। पहले सोच समझ ले दिल में फिर कुछ कहना चाहिए, समझदार मानस ने सब ते मिलके रहना चाहिए, समझदार मानस ने सब ते मिलके रहना चाहिए। जैसा टेम पड़े बंदे पर उसने सहना चाहिए, देना चाहिए। सदा भलाई साथ रहे, सदा भलाई साथ रहे जो करता बात भलाई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की। आज जमाना बदल रहा, जड़ काटे भाई भाई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई। मक्खी बाल देख के काला भी चालन लागे हन, साकी चाल देख के दान दहेज दिया करते खुद अपना हाल देख के, लालच न करना चाहिए ओ रोका माल देख के, रोका माल देख के। नहीं बुराई करनी चाहिए, नहीं बुराई करनी चाहिए,
गैरों से असनाई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की। आज जमाना बदल रहा, जड़े काटे भाई भाई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की, बेघर नहीं चला करते जो माने। आए का आदर करना जो घर पर आया करता, उसका ईश्वर वाला करे जो सबने चाया करता, उसका ईश्वर वाला करे जो सबने चाया करता, उसको मिले बड़ाई ऊंची पदवी पाया करता। शर्माया करता खरा आदमी का करे से, खरा आदमी का करे से मुँह पे बात सच्चाई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की। आज जमाना बदल रहा, जड़ काटे भाई भाई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की, बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की। आज जमाना बदल रहा, जड़ काटे भाई भाई की, और बेघर नहीं चला करते जो माने सिख बुराई की, जो माने सिख बुराई की। इसलिए दुनिया के लोगों में आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आर्य समाज की शरण में आओ तो चतुर्दिक उन्नति होगी, तुम्हारे परिवार में सुख और शांति आएगी, तुम्हारे परिवार में संस्कार जाएंगे, अपनी संस्कृति जाएगी। और यदि आर्य समाज का मार्ग छोड़ दिया तो सबसे बड़ा घाटे का सौदा आप कर लोगे, सबसे बड़े घाटे का सौदा आप कर लोगे।